हम देखेंगे द लिस्ट ऑफ सम मेजर डैम्स इन इंडिया, इंडिया में जो मेजर डैम्स है, इंपॉर्टेंट डैम्स है, जो एग्जाम के तहत से बहुत इंपॉर्टेंट है, LDC एग्जाम, GDS 2 PA, GDS 2 MTS, GDS 2 पोस्टमैन, ये सब में डैम्स इन इंडिया। हाइस्ट डैम इन इंडिया आप सबको पता होगा तेहरी डैम है, जो उत्तराखंड स्टेट में है, तेहरी डैम वो हाइस्ट डैम है इंडिया का। उसका हाइस्ट हाइट है क्या, 260.5 मीटर, 260.5 मीटर हाइट है। लेंथ है 575 मीटर लेंथ, हाइट और लेंथ। रिवर कौन सा रिवर पे, वो है भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर याद रखेंगे यहाँ से ही। हाइट है 260.5 मीटर, लेंथ है 575 मीटर, रिवर भागीरथी रिवर पर है, लोकेशन है उत्तराखंड। ईयर ऑफ कंप्लीशन 2006 में कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट फेज उसका, फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है 2006 में। लेंथ है 575, हाइट है 260.5, लोकेशन उत्तराखंड। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम, दीर्घतम डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुद डैम, उड़ीसा में है। टोटल लेंथ है 25.79 किलोमीटर और 16.03 माइल। ओके, लेंथ ऑफ द मेन डैम, जो मेन डैम है 4.8 किलोमीटर। ओके, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो 3 माइल है, 3 माइल मतलब 1.6 × 3, 4.8 किलोमीटर। रिवर महानदी पे सिचुएटेड है, लोकेशन है ओडिशा का। ईयर ऑफ कंप्लीशन 1953 में हुआ है। उसके बाद ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, कुल्लानाई डैम तमिलनाडु, कुल्लानाई डैम तमिलनाडु में है। रिवर कावेरी, लोकेशन तमिलनाडु, कावेरी नदी पे है कुल्लानाई डैम। कावेरी कैसे याद रखेंगे, कुल्लानाई डैम कावेरी नदी। ओके, हाइस्ट डैम तेहरी डैम उत्तराखंड, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद उड़ीसा, कुल्लानाई डैम ओल्डेस्ट डैम। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, भाकरा नगल डैम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में सिचुएटेड है। रिवर सतलेज रिवर के है, सतलेज रिवर में। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, हैविंग अ हाइट ऑफ 225 मीटर, 225 मीटर, एंड ऑल्सो इन द सेकेंड पोजिशन इन द लार्जेस्ट डैम ऑल ओवर इन एशिया, ऑल ओवर एशिया में जो है, इंडिया में तो लार्जेस्ट है, ऑल ओवर एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है भाकरा नगल डैम। नेक्स्ट देखेंगे तेहरी डैम, तेहरी डैम जो पढ़े थे उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तेहरी डैम है लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इट इज द हाइस्ट डैम इन इंडिया विथ हाइट ऑफ 260.5 मीटर। उसका लेंथ क्या है, 575, याद रखेंगे 575 मीटर, हाइट है 260.5। इट इज ऑल्सो लिस्टेड इन द टॉप 10 हाइस्ट डैम्स इन इंडिया। दिस डैम इज सिचुएटेड इन द रिवर ऑफ भागीरथी, भागीरथी रिवर में सिचुएटेड है भागीरथी रिवर। भाकरा नगल डैम, द भाकरा नगल डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। भाकरा नगल डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। ये सतलज नदी, सतलज नदी में है भाकरा नगल डैम। तेहरी डैम कौन सा नदी पे, भागीरथी। ओके, इट इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, हैविंग अ हाइट ऑफ 225 मीटर, एंड ऑल्सो इन द सेकेंड पोजिशन इन लार्जेस्ट डैम ऑल ओवर द एशिया। ओके, तेहरी डैम जो है ऑल वर्ल्ड का टॉप 10 लिस्ट, हाइस्ट लिस्ट में भी आता है। ओके, ये भी याद रखना है। तो भाकरा नगल डैम है, हाइट है 225 मीटर, इट इज ऑल्सो इन द सेकेंड पोजिशन इन द लार्जेस्ट डैम ऑल इन ऑल ओवर एशिया। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ सतलेज, सतलेज रिवर में है। इसको टाइप ऑफ डैम कंक्रीट ग्रेविटी डैम, कंक्रीट से बना है, ग्रेविटी डैम है। सेकंड पोजीशन लार्जेस्ट डैम ऑल ओवर एशिया। हीराकुद डैम इज सिचुएटेड ऑफ ओडिशा, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया विथ हाई टोटल है तो 25.79 किलोमीटर। 25 मेन डैम का है कितना है, 4.8 किलोमीटर, 25.79 टोटल लेंथ। इट इज द मेन, इट इज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट डैम में लिस्ट में भी है। द हीराकुद डैम इज सिचुएटेड इन द रिवर महानदी। टाइप ऑफ डैम कंपोजाइट डैम, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इट इज ऑल्सो द इंडियाज हाइएस्ट मसनरी डैम्स, मसनरी डैम्स बिल्ड इन टिल डेट। हेलो, ओके, नागार्जुन सागर टाइप डैम, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है। इट इज द लार्जेस्ट मसनरी डैम्स बिल्ड टिल डेट। इट इज द लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन द वर्ल्ड, एटा भी गोटे कौन, लार्जेस्ट मैनमेड लेक, मैनमेड, मैन से बना हुआ लेक है, कंस्ट्रक्टेड, नेचुरल नहीं है लेक। इट हैज़ 26 गेट्स एंड इज 1.5 किलोमीटर, 1.55 किलोमीटर इन लेंथ। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर कृष्णा, कृष्णा रिवर में सिचुएटेड है नागार्जुन सागर डैम।
इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसे स्टैचू है गुजरात में, उसे ही नाम से याद रखेंगे। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इट इज़ द हाइस्ट डैम इन द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ओके, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में हाइस्ट डैम है। दिस डैम इज बेनिफिटेड द अदर नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओके, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। इट इज सिचुएटेड इन द रिवर नर्मदा रिवर। ओके, इज नर्मदा, इट इज द लार्जेस्ट डैम इन द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। नेबरिंग स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई, ये सब राजस्थान इसको बेनिफिट देता है। डैम्स इन इंडिया, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। हीराकुद डैम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम, 25.8 or 9 किलोमीटर इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन द व्हिच रिवर, महानदी रिवर। तेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड इज ओनली भागीरथी रिवर, उत्तराखंड स्टेट में है ना तेहरी रिवर। डैम इज लोकेटेड इन द सतलज रिवर, सतलज रिवर में कौन सा डैम है, सतलज रिवर में भाकरा नंगल डैम है। भाकरा नंगल डैम इज द हाइस्ट डैम इन लार्जेस्ट डैम, भाकरा नंगल डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ओके, हाइस्ट डैम कौन सा है, तेहरी डैम। भाकरा नंगल डैम का हाइट है 225 मीटर। भाकरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब के में स्थित है, सतलज रिवर में ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन द रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा में कौन सा नहीं है, नागार्जुन सागर डैम, साई श्रीशैलम, अलामत, कृष्णा राज, कृष्णा सागर डैम। ओके, रिवर कृष्णा में कौन सा है, हमने पढ़ा ना रिवर कृष्णा में कौन सा डैम है अभी, नागार्जुन सागर डैम। ओके, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी में है, उसमें कृष्णा, नागार्जुन सागर डैम तो है, श्रीशैलम भी है, अल्लामत भी है, कृष्णा राजा सागर डैम नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। वो जो दी फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर किसको, किस डैम को बोलते हैं, पोंग डैम। ओके, पोंग डैम याद रखेंगे। लिस्ट ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया, भवानी सागर डैम तमिलनाडु में है, रिवर भवानी, भवानी नदी में है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक में है, तुंगभद्रा रिवर के हैं। ओके, उनके रिवर के नाम से ही है। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश रिहांद में है। माइथन डैम झारखंड, रिवर का नाम बारकार। कोयना डैम महाराष्ट्र कोयना। बिशलपुर डैम राजस्थान बनास। मेट्टूर डैम तमिलनाडु कावेरी रिवर पे है, मेट्टूर डैम तमिलनाडु। ओके, कावेरी, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी है, कावेरी भवानी ऐसे याद रखेंगे तो इसका नाम। कर्नाटक में कृष्णा, कृष्णा राजा सागर डैम। ओके, कावेरी नदी पे है वो, तो कृष्णा नदी पे नहीं है, ये होगा आंसर जो था लास्ट क्वेश्चन का, कावेरी नदी पे है, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी कर्नाटक में है। ऐसे इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश और नर्मदा रिवर पे है, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश पे। सरदार सरोवर डैम गुजरात में जो है वो भी नर्मदा नदी पे है, सरदार सरोवर डैम। इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है वो भी नर्मदा नदी पे है। चेरुथोनी डैम केरला, चेरुथोनी नाम से पता चल जाता है, चेरुथोनी है केरला में, चेरुथोनी है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना, नागार्जुन सागर डैम अभी पढ़ाई किया ना, तेलंगाना में है। कौन सा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। हीराकुद डैम ओडिशा, महानदी। सरदार सरोवर डैम नर्मदा। ओके, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पे ही है। भाकरा नंगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर में है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है। ये कौन सा नदी पे है, सतलज पे है भाकरा नंगल। तेहरी डैम कौन से नदी पे, भागीरथी पे है, उत्तराखंड में है स्टेट। भाकरा नंगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है, कौन सा नदी पे है भाकरा नंगल डैम, सतलज नदी पे। ओके, तेहरी नदी पे, तेहरी डैम कौन सा है, भागीरथी, ऐसी याद रखेंगे। तो उसके बाद लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया, इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया मन रखेंगे, याद रखेंगे। कोलेरू लेक, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पोलिकाट,
पल्लिकाट लेक आंध्र प्रदेश, PULICAT, पल्लिकाट लेक आंध्र प्रदेश, कोरेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में है, ये दो याद रखेंगे। ओके, हाफलोंग, हाफलोंग, हाफलोंग लेक, हाफलोंग टोंग लोंग, ये सब नाम है ना, ये आसाम का है। ओके, कोलेरू पल्लिकाट, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पल्लिकाट भी आंध्र प्रदेश। डिपोर, डिपोर बिल, डिपोर बिल आसाम। चांदुबी, चांदुबी लेक आसाम, हापलोंग लेक आसाम। ओके, कनवार लेक बिहार, कनवार लेक कहाँ पे है, बिहार पे। हमीरसर लेक गुजरात, कनकरिया लेक गुजरात। ओके, कनकरिया लेक गुजरात। बड़खल लेक हरियाणा, बड़खल। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर हरियाणा, ब्रह्म सरोवर भी हरियाणा, बड़खल लेक हरियाणा, हरमीसर लेक, कंकरिया लेक गुजरात, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर डैम हिमाचल प्रदेश में है। ओके, डाल लेक जम्मू कश्मीर, डाल लेक, उलार लेक जम्मू कश्मीर, डाल उलार लेक जम्मू कश्मीर। पल्लिकाट लेक कौन सा आंसर बताइए, आंध्र प्रदेश, पल्लिकाट। आगरा लेक कर्नाटक, उल्सोर लेक कर्नाटक, उल्सोर आगरा, आगरा। कुतनाड, कुतनाद लेक केरला, सस्तम कोटा, सस्तम कोटा भी केरला। भोस्ताल मध्य प्रदेश, भोस्ताल। शिवसागर, शिवसागर महाराष्ट्र, शिवसागर महाराष्ट्र। लोकटक लेक, लोकटक लेक बार बार एग्जाम में पूछता है, यह है मणिपुर में, लोकटक लेक। ओके, उमियाम लेक मेघालय, उमियाम। तमदिल, तमदिल मिजोरम, तमदिल। चिलिका लेक है आप सबको पता है, उड़ीसा। सॉल्ट वाटर लेक, हरिके, हरिके पंजाब। कांजी, कांजली पंजाब, हरिके पंजाब, कांजली। सांबर लेक राजस्थान, सांबर लेक राजस्थान। लोकटक लेक क्या है, मणिपुर। टीसंगमो लेक, टीसंगमो लेक सिक्किम। चेम्बरम, चेम्बरम बकम, चेम्बर बकम लेक तमिलनाडु। हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर तेलंगाना। गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। ओके, ये भी एग्जाम में आता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक उत्तर प्रदेश। बेला सागर उत्तर प्रदेश। भीमताल, भीमताल उत्तराखंड। कालीवेली, कालीवेली तमिलनाडु। ओके, इंपोर्टेंट लेक्स इन फैक्ट्स। उलार लेक इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, इट वॉज फाउंड इन द। उलार लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, हमने पढ़ा था ना उलार लेक, देखिए उलार लेक कहाँ पे है, उलार लेक, उलार लेक जम्मू कश्मीर में। डाल लेक, उलार लेक जम्मू कश्मीर, इज द फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ओके, लार्जेस्ट बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया, इट वॉज फाउंड विद द रीजन्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हुआ था टेक्टोनिक प्लेट्स का। चिल्का लेक इज द ओडिशा, ओडिशा इज द लार्जेस्ट सालाइन वाटर लेक। ओके, सॉल्ट वाला वा पानी है, सॉल्टी लगता है। लार्जेस्ट सॉल्ट सालाइन वाटर लेक इन इंडिया। भेम्बनाद, भेम्बनाद लेक इन केरला इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। भेमनाथ, भेमनाथ लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। चुलाम्बू लेक इन द सिक्किम इज द हाइस्ट लेक इन इंडिया, हाइस्ट में है लॉन्गेस्ट। भेमनाथ, चुलाम्बू लेक इज द सिक्किम इज द हाइस्ट लेक। लोनार लेक इज नोटिफाइड जनरल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट। सालाइन सोडा लेक लोकेटेड इन द लोहार इन बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र पे। ओके, लोनार लेक इज ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट, ये जो है पूरा नोटिफाइड है नेशनली जियो हेरिटेज। ओके, मोनूमेंट है। सालाइन वाट, सालाइन लेक है। सोडा लेक है लोकेटेड इन द लोनार आर्ट इन बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में, लोनार में है महाराष्ट्र में। ओके, चोलामू इन सिक्किम इज द हाइस्ट लेक इन इंडिया। खरीफ क्रॉप्स, ओके खरीफ क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स, जेद क्रॉप्स, क्या क्या है याद रखना पड़ेगा। ओके, खरीफ क्रॉप्स कौन से है, मेज, ओके मक्का बोलते हैं ना मक्का, मेज, राइस, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट्स, टर्मरिक, ये सब खरीफ है। रबी में क्या क्या जाता है, वेट, व्हीट,
गहम जो गेहूं का आटा खाते हैं, मस्टर्ड, बार्ली, पीस, चिक पीस, क्या बोलते हैं जो छोले, छोले भटूरे खाते हैं ना, छोले छोले बोलते हैं, क्यूमिन, जीरा, फनेल, पान मधुरी, कोरिएंडर, ग्राम, ये सब रबी क्रॉप्स है। ग्राम्स मतलब मूंग दाल होता है ना, ये सब रबी क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स कौन सा है? जैद क्रॉप्स कुकुम्बर, काकड़ी, पम्पकिन, टमाटो, बिटर गार्ड, ये सब है। कुकुम्बर, पम्पकिन, टमाटो, बिटर गार्ड, ये सब है। तो खरीफ क्रॉप्स का नाम कुछ बताइए तो आप क्या क्या बोलेंगे? मेज, राइस, ओके, शुगर केन, कट्टन, ग्राउंड नट्स, कट्टन होगा अभी, ग्राउंड नट्स है, टर्मरिक, ये सब है। रबी क्रॉप्स में क्या क्या बोलेंगे? व्हीट, मस्टर्ड, पीस, चिक पीस, बार्ली, मूंग, ग्राम, ओके, क्यूमिन, फेनल, कोरिएंडर, ये सब। जेड क्रॉप्स में कुकुम्बर, पम्पकिन, टमाटो, ये सब है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा हमको एग्जाम के लिए। भीमताल लेक कौन सा है? भीमताल लेक उत्तराखंड, ओके। ये सब मटेरियल्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, 7008754201, ओके, इन नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको मटेरियल भी सेंड कर देंगे, ओके। पूरा पूरा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब, पूरा याद रखेंगे। तेरिडियम उत्तराखंड, थैंक यू।